कहते हैं कि जब आप एक नए शहर में आए तो उस शहर के हैंडलूम्स, आर्ट्स, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जरूर चेक करें, तो आप उसकी सभ्यता से जुड़ सकते हैं। और ग्वालियर में इस वजह से चंदेरी साड़ी लोग कहते हैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग देगी आपको ग्वालियर के हेरिटेज और कल्चर के बारे में। इनकी बात मत मानिए, हैशटैग रोड ट्रिब्यून विद आरएनएम एंड हिस्ट्री टीवी 18। हर सीजन में जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपनी वाइव्स के लिए, मतलब एक इनकी वाइफ एक मेरी वाइफ, उनके लिए एक प्रेजेंट लेते हैं बोलने के लिए थैंक यू, हमारे बगैर आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम तो इसलिए आए। और अगर आपको चंदेरी साड़ी देखनी है यहाँ पे ग्वालियर में, तो आप आएंगे कोठारी सन्स, जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है सराफा बाजार में। जी हाँ, और ये देखते हैं क्या क्या इनके पास, एक एक साड़ी चूज करनी है। चलिए आपके पीछे मैं आता हूँ। देखिए, लाइफ में दो किस्म के दोस्त होते हैं, जो बहुत स्टाइलिश होते हैं और जो मतलब स्टाइल से बहुत दूर रहते हैं, जब तक कि वो स्टाइलिश दोस्त को मिलके स्टाइलिश बन ना रहे। तो अब आप देख लीजिए, ये जो मेरे नॉन स्टाइलिश दोस्त हैं रॉकी, ये अभी मिल रहे हैं हमारे स्टाइलिश दोस्त गौतम कोठारी से, जो कोठारी एंड सन्स के 5th जेनरेशन इंचार्ज हैं, जो ये सुंदर जगह है। और इनको हमने पूछना है इनसे कि जी रॉकी जी को थोड़ा स्टाइलिश बनाना है तो कैसे बनाएंगे। हाउ आर यू रॉकी? लुक्स वेरी गुड, चांस है, यू ऑलरेडी इज वेरी स्टाइलिश। थैंक यू, यू ऑलवेज बीन गुड, यार, थैंक यू। पर अगर अब सच कहा जाए तो स्टाइल वाइल मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आप हमें कोठारी एंड सन्स के बारे में बताइए, ये दुकान कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और आप 5th जनरेशन है? या अच्छा, बताइए इसके बारे में। हमारा परिवार जो है पिछले 100-125 सालों से इसी काम में, टेक्सटाइल में ही है। हम लोग के खुद के लूम्स चंदेरी में हैं, और शुरू से ही सिंधिया परिवार के लिए काफ़ी काम बनाया जाता आया है, आज भी रॉयल फैमिली है ग्वालियर की, जो रॉयल फैमिली है। और अर्ली 20th सेंचुरी में तो जितने भी आसपास के राजे रजवाड़े थे वो सब प्योर जरी का ही काम पहनते थे, और सच्ची जरी के लिए हम लोग फेमस थे, सच्ची जरी का ही काम बनाते आए हैं। और सच्ची जरी मतलब सोने का धागा जो लगता तो था। उसमें होता क्या है कि ये चांदी के ऊपर सोना चढ़ता था। वाह। तो 1 किलो चांदी के ऊपर 10 ग्राम सोना चढ़ रहा है या 20 ग्राम सोना चढ़ रहा है, उसके ऊपर फिर उससे एम्ब्रॉयडरी होती उस थी, धागे से एम्ब्रॉयडरी भी की, धागे से वीविंग भी होती थी और एम्ब्रॉयडरी भी होती थी। अच्छा, सो दिस इज हाउ वी, आपकी ट्रेडिशन है ओवर 100 इयर्स, आप मतलब सिर्फ यहाँ नहीं बाकी सब राजवाड़ों में भी आप इस पूरे एरिया के जितनी भी रॉयल फैमिलीज थी बुंदेलखंड ग्वालियर इस एरिया की, वो सब यहीं से शॉपिंग करते हैं। अब वो सारा हैंडीक्राफ्ट नो करा, अब आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इनफैक्ट। हाँ, और लकीली हुआ क्या है कि हम लोगों का वर्कशॉप जो है जहाँ हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो इस स्टोर से भी पुराना है, दैट गोज बैक टू मे बी 125 years, और आज भी उसे बरकरार है। और जो टेक्निक्स एम्ब्रॉयडरी की ख़त्म हो चुकी हैं, जो आर्ट ख़त्म हो चुका है, जैसे वसली का काम एक हुआ करता था, कपड़े के ऊपर कुट्ठे को काट के उसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी, सो दिस आर्ट इज एक्सटिंक्ट, लेकिन हम लोग आज भी कर रहे हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम कर रहे हैं उनके पेरेंट्स और जनरेशन अहेड वो भी आपके साथ ही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे कारीगर, हमारे कारीगर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चार चार पीढ़ी से उनकी फैमिली हमसे जुड़ी हुई है। क्या बात है। तो आपको इतना प्यार है हमेशा, यू बीन सो पैशनेट विद एम्ब्रॉयडरी और गारमेंट्स वगैरह से, आपको इतना लगाव है, ये बचपन से ही था या बचपन में कुछ और बनना चाहते थे लेकिन फिर इस बिजनेस में आ गए? मैं कहूँगा बचपन से ही था, शुरू से ही था। बहुत लगी क्योंकि मयूर बड़े होके अकलमंद बनना चाहते थे, इतना गैप रह गया, बन नहीं पाए। लेकिन ये हमारी सराउंडिंग ही ऐसी थी, मतलब बंदरों में रह के आर्मी जो है विद्वान कैसे बन सकता। अच्छा, तो वो जोड़िए, बताइए चंदेरी होता क्या है? अब चंदेरी साड़ी हम सुनते आ रहे कई सालों से, व्हाट इज अ चंदेरी साड़ी? तो चंदेरी की जो वीव है और जो उसके पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं, हिंदुस्तान में सब जगह साड़ियाँ बनती हैं, हर स्टेट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हाँ। चंदेरी की जो स्पेशलिटी है उसके मोटिव्स हैं, और ये जैसे ये चंदेरी देख रहे हैं हम अभी, ये पर्टिकुलर आप जो चंदेरी देख रहे हैं ये स्पेशली अनुष्का शर्मा के लिए वीव की गई थी, विराट कोहली की वाइफ जो है, एंड शी इज वेयरिंग एग्जैक्टली द सेम साड़ी, उनको आप पहने हुए भी देखेंगे, और ये उनके लिए वीव करी गई थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो आपके डिजाइन तो दे मस्ट गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेन यू ट्रैवल्ड हैव यू एवर सीन एनीबॉडी के मतलब उन्होंने आपके डिजाइन पहने, आपने बोला अरे वो तो हमारा है, कभी हुआ है सीन? ऐसा एक बार ही हुआ है जब मैं और मेरी वाइफ आज से करीब 17-18 साल पहले लंदन में थे, और मैडम तो साड़ी म्यूजियम घूम रहे थे, वो जो वैक्स म्यूजियम है जहाँ पर लोगों की शक्ल के बुत फेमस मोदी जी भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, तो अमिताभ बच्चन का उस समय जो वैक्स स्टैचू था उसके ऊपर एक स्टोल पहने हुए थे अमिताभ बच्चन,
फुल्ली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड एंड इट वॉज ब्लैक इन कलर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो वो देख के हम 15 मिनट मैं और मेरी वाइफ वहीं खड़े रहे. इतना सुंदर था. सुंदर तो था और वो किया हुआ मेरे हाथ का था, मेरे कारीगर का. अमिताभ बच्चन तो कभी ग्वालियर आए नहीं थे मेरे से खरीदने. देखिए मैं रॉकी को बहुत टाइम से जानता हूँ. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज क्या होगा कि 5-10 साल बाद आप चल रहे होंगे रॉकी आपको मिलेगा किसी पार्टी पे, आप बोलेंगे यार ये तो बड़ी ब्यूटीफुल क्रिएशन, ये तो मैंने स्पेशली बनाई थी. वैसे जब आप आए थे तब से मुझे मिली नहीं, मेरे स्टोरी में पता नहीं कहाँ गई. रॉकी तो मेरा दोस्त है, मैं ही पहुंचाऊंगा. मुझे तो ये बहुत पसंद आ रही है साड़ी. इसका ये जो डिजाइन है ये पुराना डिजाइन है और इस न्यू स्टाइल ऑफ डिजाइन. रॉकी इसकी खासियत ये है कि ये रंगकाट है. देखिए आप इस साड़ी में जो आप शेडिंग्स देख रहे हैं ये वीविंग में चेंज की गई है, डाई में नहीं की गई है. तो बुनते समय ताना बाने में रंग चेंज करते हुए इस ये इफेक्ट्स लाए हैं इसके. तो ये बिल्कुल लाइट ग्रीन से ब्लू और फिर डार्क ग्रीन और ये मतलब एक रेनबो सॉर्ट ऑफ इंडिगो ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम में चल रहा है. क्या बात है, क्या बात है. ये इसकी ब्यूटी है. ये भी कतार चंदेरी है तो इसलिए ये खास मानी जाती है चंदेरी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी बहुत फर्क है, वीव बहुत स्पेशल है. चंदेरी में एम्ब्रॉयडरी नहीं होती. अच्छा. चंदेरी के ऊपर हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं. तो चंदेरी रेंज क्या रहता है, अगर मतलब बाहर से लोग आए ग्वालियर और खरीदना चाहें तो कोठारियन सन्स पे तो आके देखेंगे यार ब्यूटीफुल रेंज. पर आम तौर पर व्हाट इज द रेंज ऑफ चंदेरी फैब्रिक, कितने से कितने तक साड़ी आपको मिल सकती है? तकरीबन आप समझ लीजिए 2,000-2,500 रुपए से लेके 20-30-40,000 तक सारी रेंज बनती. और वो सारी यही बनती है इसी इलाके में ग्वालियर में. हाँ, ग्वालियर रीजन क्या है, चंदेरी को शुरू से ग्वालियर का सपोर्ट रहा है. चंदेरी गांव को. अच्छा, जो माल बनता है बिल्कुल पास तो में. वो बनता है, वो नहीं समझ आ रहा था जाओ कि उन्होंने बोला ना उनके चंदेरी गांव है. ओके ओके, आप समझ में आ गया. हाँ. जैसे बनारस की साड़ी को बनारसी साड़ी कहते हैं, कांजीवरम की साड़ी को कांजीवरम साड़ी कहते हैं, राइट, उसी तरह से चंदेरी की साड़ी चंदेरी कहते हैं. अब समझ में आया मुझे चंदेरी का. अब मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ, कोई सवाल है तो मुझसे पूछे. नहीं, सवाल ये है कि आप जो है अपनी वाइफ के लिए एक सिलेक्ट जी, मैं एक सिलेक्ट करूंगा. ये सिलेक्ट हो चुका है, दिस इज द वन दैट आई एम टेकिंग. इसको प्लीज पैक करते हैं और निकलते हैं. भूख बहुत लग रही है यार. हाँ, ये तो अच्छी तरह से फोल्ड करवाएंगे यार. प्लीज, व्हिच वन हैव यू लाइक? आई थिंक आई लाइक द पिंक वन, बट देन ये जो है ना जी रोज गो दिस, ये है तो बड़ी सुंदर. वेरी नाइस. तो साड़ी अपनी हो गई. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. जैसे कि हमने सुना है कि ग्वालियर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड्स हैं. हमारा कल्चर तो कहता है जाके लोकल खाना खाइए. तो जैसे हम ये शॉपिंग करेंगे, लोकल पहनी है. हाँ, लोकल तो पहनेगी. मतलब हम तो ये पहन के नहीं जा सकते मार्केट में, लेकिन ये अपनी वाइफ के लिए लेंगे और हम जाके लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करेंगे. थैंक यू सो मच. इट्स माय डिलाइट. थैंक्स फॉर विजिटिंग. आप अगर आए ग्वालियर तो याद रखिएगा चंदेरी जरूर खरीदेगा और सराफा बाजार में आकर कोठारी सन्स में आकर आपको बहुत ज्यादा चॉइस मिलेगी और बहुत सुंदर साड़ियां मिलेंगी. और अब लग रही है हमें भूख, तो इसे कराते हैं पैक और निकलते हैं.